गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज वसीम। वेलकम यू ऑल टू अटेंड माय ऑनलाइन क्लासेस इंग्लिश एजुकेशन WLZ। गाइस, अगर आप लॉकडाउन में दिन भर बोर हो रहे हैं, जस्ट यूटिलाइज योर टाइम बाय लर्निंग द लैंग्वेज स्किल। गाइस, आज के हमारे क्लासेस में वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल, और आज आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ द। ओमिशन मीन्स वेयर द इज नॉट यूज, द का यूज हम कहाँ नहीं करते हैं। ओमिशन का मतलब लुप्त होना, लोप होना, गायब होना। इट मीन्स द का यूज हम कहाँ नहीं करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला बोला कि द इज नॉट यूज बिफोर एनी गेम एंड स्पोर्ट्स, किसी भी खेल कूद के नाम के पहले, गेम के पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इस तरह से जितने भी गेम है उसका यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी गेम का नाम उस कंट्री के नाम से डोनेट होगा, लाइक द क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया, तो हम दा का यूज करेंगे। बिफोर इन लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज के पहले भी हम दा का यूज नहीं करेंगे, लाइक हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, भोजपुरी, जो भी है, इसके पहले दा का यूज नहीं करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर लैंग्वेज के साथ खुद लैंग्वेज वर्ड यूज होगा, तब हम दा का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश, हम अगर बोलेंगे आई टीच द इंग्लिश, ये गलत हो जाएगा, बट आई टीच द इंग्लिश लैंग्वेज, ये सही होगा। आगे बोला बिफोर इन मेटल, किसी भी धातु के नाम के पहले हम धा का यूज नहीं करते हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रॉन्ज, इन सब के पहले धा का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इसका लिंक अगर किसी देश से होगा, उसको स्पेशलाइज करेगा, तो हम धा का यूज करेंगे, लाइक द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। बिफोर एनी सीरियल और ग्रेन्स, अन्न, अनाज, इन सब के पहले भी हम दा का यूज नहीं करेंगे, लाइक पैडी, व्हीट, मैइस, पल्स, इन सब के पहले यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब इसको स्पेशलाइज करेंगे, लाइक द राइस ऑफ देहरादून, इट्स गुड फॉर बिरयानी, तो इसमें दा का यूज करेंगे। बिफोर एनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी भाव शो करने के पहले दा का यूज नहीं करेंगे, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, सिंपैथी, लेकिन स्पेशलाइजेशन में यूज करेंगे। बिफोर एनी कलेक्टिव नाउन, पार्लियामेंट, कैटल, बंच, क्लस्टर, इनमें भी इसका यूज नहीं करेंगे। बिफोर एनी मटेरियल नाउन, वैसा चीज जिसको नाप माप तोल सकते हैं, उसमें भी दा का यूज नहीं करेंगे, लाइक वाटर, मिल्क, सॉल्ट, ऑयल, लाइक दैट। फ्रेंड्स, आगे बोला बिफोर एनी नेम, किसी भी नाम के पहले हम लोग दा का यूज नहीं करते हैं, लाइक किसी एक्टर, एक्ट्रेस, सेलिब्रिटी, किसी का भी नाम हो, सलमान, कटरीना, सचिन, लेकिन किसी खास को डोनेट करने के लिए ही इज द सलमान, इसका मतलब कि वही सलमान है, तब हम यूज कर सकते हैं। सिटी के पहले भी दा का यूज नहीं करेंगे, किसी स्टेट के पहले दा का यूज नहीं करेंगे, कंट्री के पहले दा का यूज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ खास कंट्री जिसका एक अलग मीनिंग हो, फुल फॉर्म हो, उसमें दा का यूज करेंगे, लाइक द USA, द USSR, द वेस्ट इंडीज, द नीदरलैंड्स, इन सब के पहले दा का हम लोग यूज करते हैं। आगे बोला बिफोर नीड डे, दिन के नाम के पहले दा का यूज नहीं करेंगे, संडे, मंडे, ट्यूजडे। बिफोर एनी मंथ, मंथ के नाम के पहले भी दा का यूज नहीं करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बिफोर एनी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले भी दा का यूज नहीं करेंगे, लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री। बिफोर एनी डिजीज, किसी बीमारी के नाम के पहले भी दा का यूज नहीं करेंगे, लाइक जॉन्डिस, कॉलरा, हेपेटाइटिस, COVID-19। बिफोर एनी फेस्टिवल, किसी त्यौहार के पहले दा का यूज नहीं करेंगे, ईद, होली, दिवाली, छठ, लेकिन स्पेशलाइजेशन करेंगे, लाइक द दिवाली ऑफ दिल्ली, तब दा का यूज होगा। बिफोर एनी पीक ओनली, पीक होगा तो दा का यूज नहीं करेंगे, लेकिन माउंटेन रेंजेस होगा तो दा का यूज करेंगे, लाइक एवरेस्ट इज ए पीक ऑफ हिमालय, तो हिमालय के पहले दा का यूज करेंगे, एवरेस्ट में दा का यूज नहीं करेंगे, मकालू, कंचनजंगा, धौलागिरी, डोडा बट्टा, अन्नामुट, लाइक दैट। बिफोर एनी आइलैंड, आइलैंड के पहले भी दा का यूज नहीं करेंगे, लाइक श्रीलंका, ग्रीनलैंड, होंसू, क्योसू। बिफोर एनी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में एक रूल है कि हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे तो दा का यूज नहीं करेंगे, लाइक आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम मगध यूनिवर्सिटी, लेकिन इसको उल्टा करेंगे तो दा का यूज करेंगे, लाइक आई कम्प्लीट माई ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मगध, लेकिन वो किसी जगह के नाम पर रहेगा तब, अगर वही यूनिवर्सिटी किसी आदमी के नाम पे होता है तो नाम सीधे में यूज करेंगे, नाम उल्टे में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सी हैज डन MCA फ्रॉम वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, अगर इसको उल्टा कर देंगे दा वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको ना सीधे में लगाना है ना उल्टे में लगाना है, किसी आदमी के जगह आदमी के नाम पर रहेगा। तो फ्रेंड्स, दा का यूज आज इतना ही, जहाँ दा का यूज नहीं करते हैं हम लोग समझ गए, लेकिन स्पेशलाइजेशन जब करना होगा तो हम दा का यूज करेंगे। डैट्स इट, होप यू अंडरस्टैंड इट, थैंक यू। इफ यू अंडरस्टूड इट, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन WLZ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।